जैसा कि आप सभी को बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मेहमान बनकर पहुंची। वहां उसको 4 टेस्ट मैच, 2 वनडे मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलना है। T20 मैच की सीरीज का पहला मैच भारतीय T20 क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के बीच 21 नवंबर को ब्रिस्बेन के ग्वायना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि पिछले कुछ समय से भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छा और आक्रामक प्रदर्शन किया है। उनकी गेंदबाजी की लेंथ और लाइन में काफ़ी सुधार हुआ है, इसलिए अभी विगत पिछले दिनों हुई T20 सीरीज जो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में मेजबान बनकर खेली थी उसमें उसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था, जिसके कारण उसको वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ खेलने में कामयाबी मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहला 2020 मैच खेलने के लिए भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ग्वायना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलने के लिए एकदम से कमर कसकर मुस्तैद हो गई है। हाँ, इस पहले T20 मैच का इंतजार भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के सभी दर्शकों को होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये मैच बहुत अत्यंत रोमांचक होगा और हम भी आशा करते हैं कि भारतीय T20 टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी देखिए आपने खबर SS की एक रिपोर्ट।